नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है हम साथ साथ है फिल्म शूटिंग लोकेशन का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी जो कि जोधपुर के मंडोर से शूट की गई थी। एक गाना वहाँ से शूट किया गया था, वो लोकेशन मैं आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखा चुका हूँ। तो आज मैं आपको इस फिल्म की जो लोकेशन दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से। तो मेहरानगढ़ फोर्ट से इस फिल्म के कुछ सीन शूट किए जाते हैं। इसके बाद इसी फोर्ट के अंदर से एक गाना स्टार्ट होता है, और वो गाना कुछ इस प्रकार से आता है, मारे हिबड़े में नाचे मोर, तो ऐसे कुछ करके इस फिल्म के अंदर गाना आता है। तो वो गाना यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट से शूट किया गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम साथ साथ है फिल्म के अंदर जो मेहरानगढ़ फोर्ट से जो भी लोकेशन दिखाई गई है वो लोकेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आज हम मेहरानगढ़ फोर्ट चलते हैं और आपको जो लोकेशन वहाँ से दिखाई गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वो वीडियो आप ज़रूर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, जहाँ पे हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो फिल्म के बहुत से सीन यहाँ इस फोर्ट से दिखाए गए हैं, और फिल्म का गाना भी इसी फोर्ट से शूट किया गया है। फ़िलहाल अभी मैं फोर्ट के यहाँ पे नीचे हूँ, ठीक है। तो इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं, देखिए इधर से हम आए हैं, ये इधर पार्किंग का एरिया है, और यहाँ से जो मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए बहुत बड़ा ये फोर्ट है, और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये बना हुआ है, ऊंचाई भी बहुत है, और देखिए बहुत आगे तक ये फोर्ट बना हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये मेहरानगढ़ फोर्ट भी पूरा विज़िट करवाऊंगा, और जिस प्रकार से यहाँ पे फिल्म के अंदर सीन शूट किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो ब्लू सिटी दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए जोधपुर में जो अधिकतर मकान हैं वो ब्लू कलर के हैं, इसी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर जो आप पहाड़ की जो चट्टानें आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे हॉलीवुड की एक फिल्म थी द डार्क नाइट राइजेस, उसका एक सीन यहाँ इन जैसे कोई सी चट्टान के ऊपर से शूट किया गया था। वो वीडियो आपको जल्द ही चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, और जिस प्रकार से फोर्ट का नज़ारा रहता है वो मैं आपको आगे आगे दिखाते चलूँगा। तो दोस्तों अभी हमने मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है। देखिए यहाँ पे कुछ चेक इन करवाना पड़ता है अपने को, और इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो देखिए कितना ऊँचा ये फोर्ट बना हुआ है, ये देखो बहुत ऊँचा ये फोर्ट बना हुआ है, और श्री गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे है, मंदिर है यहाँ पे छोटा सा। और यहाँ से हम फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। देख सकते हैं फोर्ट का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है, जो कि 200 रुपये पर पर्सन हमने यहाँ पे टिकट लिया है। तो दोस्तों जैसे ही हमने इस फोर्ट के अंदर एंट्री की है, फिल्म का एक सीन यहीं से दिखाया जाता है। तो फिल्म के अंदर जब सलमान खान, मोनिश बहल और सैफ अली खान और जो तब्बू, सोनाली बेंद्री जो होते हैं, जब वो हाथी की सवारी करने जाते हैं, तो फिल्म का एक सीन यहीं से दिखाया जाता है। देखिए यहीं से वो हाथी के ऊपर बैठते हैं सब, और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, फोर्ट का सामने जो नज़ारा दिख रहा है ना, जो गेट दिख रहा है उसी प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है, और यहाँ से देखिए वो हाथी के ऊपर बैठते हैं सब, देखिए एक सीन के अंदर ये जो बैठने के लिए जो बना हुआ ना, इसे आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ से दिखाया गया है, और देखिए एक सीन के अंदर ये जो गेट बना हुआ है मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की है, इसका नज़ारा दिखता है, तो इसे भी आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए ये जो गेट है ना, इसे आप मैच कर सकते हैं।
इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, और देखिए एक खिड़की का भी नज़ारा दिख रहा है ना, तो वो भी आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिल्म के अंदर जो गाना है वो स्टार्ट होता है, मारे ही वीडियो में नाचे मोर, तो वो गाना फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और फिल्म के अंदर जो सीन शूट किए गए ना, वो आगे चल के और हम आपको दिखाते हैं। एक शॉप कैफे है यहाँ पे, देखिए कुछ बैठ के आप यहाँ पे खा सकते हैं। वाओ, तो फिल्म में कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर फिल्म में जो प्रेम, विवेक और जो विनोद होते हैं, यानी कि जो सलमान खान, मोनिश बहल और सैफ अली खान जो होते हैं, वो जब रामपुर आते हैं और एक दिन वो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं ना, तो कुछ सीन देखिए यहाँ से दिखाए गए हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं ना, तो देखिए इसी जगह से वो सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर सामने सलमान खान और मोनिश बहल रहते हैं, इसके बाद यहाँ पर कुछ लोकगीत गाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकगीत भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं। ठीक है, तो वो सीन यहाँ से दिखाया जाता है। इसके बाद जो सैफ अली खान होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो वो फिर इस गेट से निकल के आते हैं बाद में। वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। अब देखिए दोस्तों, एक सीन और मैं आपको मैच करवाता हूँ, जहाँ पर वो जाके बैठते हैं ना, जब वो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, तो देखिए वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सलमान खान और मोहनिश बहल बैठे रहते हैं, और इधर ये जो ब्लू सिटी आप देख पा रहे हैं जोधपुर की, यहाँ पे इधर उनकी मतलब वो फैक्ट्री बताई गई है। हो सकता है शायद उन्होंने ग्रीन स्क्रीन से दिखाया वो सीन, तो यहाँ पे वो बैठे रहते हैं। ठीक है, इधर उनकी वो जो फैक्ट्री होती है इधर ही बताई गई है, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे जाना मना है, नीचे जाने ही नहीं देते हैं गार्ड, तो इस वजह से ये सीन मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे कच्चे धागे फिल्म की भी शूटिंग हो चुकी है, जस्ट इसी जगह चौकी यहाँ पे बनाई गई थी। तो दोस्तों जैसे जैसे हम किले के अंदर चल रहे हैं, इस किले का भी नज़ारा मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, और जिस प्रकार से सीन आते हैं फिल्म में उस प्रकार से सीन भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इस किले का मतलब कितना ऊंचा ये किला है, और कितनी मोटी मोटी ये दीवारें हैं आप देख सकते हैं। देखिए कितना ऊपर तक ये किला है, और आज के ज़माने में इस प्रकार से बनना तो नामुमकिन ही है एक तरीके से। देखिए अब ये किला आगे तक है, यहाँ से हमने एंट्री की है, मतलब बहुत से गेट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आगे हम चल रहे हैं और आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का भी पूरा नज़ारा दिखाते चल रहे हैं, राव जोधा जी का फलसा। Oh,
किले के अंदर और आगे तक पहुंच चुका हूं और यहां से अब देखिए कुछ सीन दिखाए जाते हैं। एक्चुअली में जो गाना फिल्म में स्टार्ट होता है ना, हमारे हिविडे में नाचे मोर, वो गाना बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। जिस जगह वो मोर बैठा रहता है ना, वो देखिए यहीं पर बैठा रहता है। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ना, यहीं पे वो मोर बैठा रहता है इस रेलिंग के ऊपर। स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो मोर बैठा रहता है। और इसके बाद देखिए एक सीन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, यहाँ पे नीचे जो सलमान खान होते हैं वो हाथी के ऊपर बैठे रहते हैं, और जो मोहनीश बहल, तब्बू और जो सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, वो सब यहाँ पर देखिए ऊपर रहते हैं। और फिर वो सब हाथी के ऊपर बैठने के लिए उतर के आते हैं नीचे से। इसके बाद फिर गाने में सीन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, वो सब हाथी के ऊपर बैठ के आते हैं और ये नज़ारा हमें फिल्म के गाने के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट तो आप इस प्रकार से मैच कर सकते हैं, ये जो सामने इस फोर्ट का ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसे आप मैच कर सकते हैं, और ये जो दीवार है ये भी आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो फिल्म के अंदर गाने के वो सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं, इसके बाद फिर वो इधर नीचे चले जाते हैं और कुछ सीन नीचे से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम और यहाँ से आगे चलते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसी महल के अंदर और इसी जगह तेरे नाम फिल्म की भी शूटिंग हो चुकी है। ओढ़ नहीं ओढ़ के नाचू वो जो सॉन्ग है ना, यहीं पे मेहरानगढ़ फोर्ट में शूट हुआ था। वो वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो फोर्ट कितनी बारीकी से देखिए कारीगरी की गई है फोर्ट के अंदर। ये देखो तो दोस्तों अभी मैं फ़िल्म की अगली लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं, और यहां से जो सीन फिल्म में दिखाए गए ना, वो सीन फिल्म में तब आते हैं जब वो सब रामपुर आते हैं, और रामपुर आने के बाद जब वो एक राजा के महल में घूमने आते हैं ना, तो देखिए पहला जो सीन जहां से दिखाया गया ना वो जगह ये है। देखिए ये जो सामने गेट आप देख पा रहे हैं ना, जहाँ से टूरिस्ट एंटर कर रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहीं से वो सब एंट्री करते हैं और यहाँ राजा के महल के अंदर घूमते हैं। तो फिल्म का एक सीन यहीं से दिखाया गया है, स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिया है, आप मैच कर लीजिएगा इस महल का नज़ारा। और इसके बाद देखिए एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, ये देखिए ये सीन आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो सब घूमते रहते हैं तो इधर देखिए इस महल की एक वॉल है, जिस वॉल के ऊपर सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं और फिर वो यहाँ से उनको देखते हैं, यानी कि सलमान खान को देखते हैं। तो देखिए एक सीन यहाँ से दिखाया गया है फिल्म के अंदर, ये आप मैच कर सकते हैं। इधर वो दीवार है जिस दीवार के ऊपर सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं, और ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना, इस सीन के अंदर कैमरा एंगल उस दीवार के ऊपर से किया गया था, उस वॉल के ऊपर से किया गया था, जिससे महल का ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना, ये सीन उस वॉल के ऊपर से कैमरा एंगल करके दिखाया गया है, जिससे ये महल का नज़ारा दिखता है। ठीक है, ये ऊपर जो खिड़कियाँ बनी हुई है ना छोटी छोटी, सभी के आप मैच कर सकते हैं, झरों के इन्हें बोलते हैं, तो इन्हें आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो सामने आप दीवार आप देख पा रहे हैं, इसी दीवार के ऊपर सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं। तो देख लीजिएगा उसी प्रकार से, वो जो सामने तोपें रखी हुई है वो पहले भी उसी प्रकार से वहाँ पे रखी हुई थी, और इसी प्रकार से कैमरा एंगल करके सीन हमें फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। देखिए ये महल की ये वॉल है इस प्रकार से। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्वदेशी रोमांस की भी इस वॉल के ऊपर शूटिंग हो चुकी है। दोस्तों अभी मैं मेहरानगढ़ फोर्ट के होली चौक के अंदर पहुँच चुका हूँ, और इस चौक से फिल्म के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। जब वो रामपुर में आते हैं ना, तो रामपुर में आने के बाद जब वो राजा के महल में घूमने आते हैं तो कुछ सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं। देखिए इसी चौक के अंदर रहते हैं वो सब, और ये जो सामने ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे तुलसी का पौधा यहाँ पे रखा जाता है, तो इसका भी सीन दिख रहा है, आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और यहीं पर वो सब घूमने आते हैं,
देखिए यहाँ के जो ये गेट वगैरह हैं इन्हें आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और यहीं पे आते हैं, देखिए एक सीन के अंदर कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है इस किले का। ये जो थे अंदर है मोती में, रामसा साहब की दुकान की शूटिंग होती है ना यहाँ ऊपर। नहीं अगर से नहीं ये देखिए गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो घूमने आते हैं। दोस्तों अभी हम किले को पूरा घूमते घूमते लास्ट कॉर्नर में आ चुके हैं। यहाँ से पूरा शहर का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ तोपे वगैरह रखी हुई है, तो अब थोड़ा सा नज़ारा और हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों अभी हम फाइनली यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये बहुत सी तोपे ही तोपे यहाँ पे रखी हुई है उस टाइम की। देखिए यहाँ पे ये बहुत सी तोपे यहाँ पे रखी हुई है। देखिए मतलब ये जो वॉल है ना फोर्ट की, तो आगे तक इस वॉल के ऊपर इस प्रकार से तोपे यहाँ पे रखी हुई है। और देखिए शहर का नज़ारा यहाँ से पूरा दिखाई देता है। देखिए शहर पूरा जोधपुर शहर यहाँ से दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ आगे तो जाने देते नहीं है, लेकिन यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जब हम इस रास्ते से आगे की तरफ चलते हैं ना इस वॉल के थ्रू, तो सामने एक मंदिर है माता जी का। ये आप देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे शायद पानी बरता होगा पहले, और फिर देखिए ये दीवार है उधर भी सामने, देखिए तोपे रखी हुई है इस दीवार के ऊपर। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मेहरानगढ़ फोर्ट से जो भी सीन इस फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ जोधपुर के जसवंत थाड़ा से, क्योंकि जसवंत थाड़ा से इसी फिल्म के इसी गाने के कुछ सीन शूट किए गए थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम इसी फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।